काफी टाइम से दिमाग बहुत ज्यादा परेशान चल रहा था, तो एक ऐसी वेब सीरीज या मूवी देखना चाहता था जिससे सारी चीजें रिलैक्स हो जाएं। तो मैंने सोचा क्यों ना कोरियन वेब सीरीज देखी जाए। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा आई एम नॉट रोबोट, एक कोरियन वेब सीरीज के बारे में जिसमें टोटल 16 एपिसोड है। तकरीबन हर कोरियन वेब सीरीज के अंदर आप देखोगे तो लगभग 16 एपिसोड मिलते हैं और हर एपिसोड 1-1 घंटे का, यानी आपको इस सीरीज के लिए 16 घंटे देने पड़ेंगे। और अब ये सीरीज कहाँ देखने को मिलेगी, फ्री है या पेड है, और हिंदी में है या इंग्लिश में, इन सब चीजों के बारे में तो लास्ट में बात करेंगे। तब तक तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। देखो वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी वार्निंग मैं आप लोगों को दे देता हूं कि इस वीडियो के अंदर स्पॉइलर होने वाले हैं, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो यार अपने रिस्क पे देखना और मुझे मत कुछ कह देना कि स्पॉइलर क्यों दे दिया, हमारा इंटरेस्ट खराब कर दिया। मैं पहले ही वार्निंग यहां पे दे रहा हूं। तो एक लड़का 28-29 साल का किम मिन क्यू, काफी ज्यादा रिच है, बहुत ज्यादा रिच है। उसकी कंपनी है KM फाइनेंशियल, उसका मालिक एक तरीके से डायरेक्टर है। लेकिन रिच होने के साथ साथ इसको एक एलर्जी भी है, ये किसी भी इंसान को छू नहीं सकता। अगर इसने किसी भी इंसान को छुआ तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसका पूरा शरीर लाल पड़ जाएगा, इसकी सांसें रुक जाएंगी और पूरे के पूरे शरीर पर रैशेज आ जाएंगी। यानी एक तरीके से कहें तो अगर इसने किसी इंसान को ज्यादा देर तक छू लिया तो इसकी जान जा सकती है। वैसे इस बीमारी को आप एक साइकेट्रिक बीमारी कह सकते हो, क्योंकि इसको 15 साल पहले ये बीमारी नहीं थी। जब इसके माता पिता गुजरे तब इसको ये बीमारी लग गई थी। वो कैसे लगी थी, इसकी इसी वीडियो के अंदर इसके बारे में बात करेंगे। तो किम 15 साल से अकेले रहता आ रहा है, क्योंकि इसके आसपास कोई नहीं आ सकता, इसके पास बात करने के लिए कोई नहीं है, कोई इसका दोस्त नहीं है, तो अपने बड़े से आलिशान घर में अकेला ही रह रहा है। और जब इसके पास बात करने को कोई नहीं है तो ये दोस्त बनाता है मशीनों को, और इतना गहरा दोस्त बनाता है कि भाई उनका बर्थडे तक ये बनाता है। अब यार ऑब्वियसली बात है कि 15 साल से ये लड़का अकेला रह रहा है, इसके पास बात करने को कोई नहीं है, किसी के साथ ये कुछ घूमने जा सके या फिर इसका कोई दोस्त हो, इसके आसपास कोई लोगों कोई भी नहीं है, तो इस हालात में किसी ना किसी चीज से तो वो बात करेगा। तो ये मशीनों से बात करने लग जाता है और उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाता है। इवन एक गहरे दोस्त एक कोई आम इंसान अपने किसी दोस्त को देता है। और फिर एक दिन इसके पास एक साइंटिस्ट होंग नाम के एक व्यक्ति का फोन आता है, वो ये कहता है कि इसके पिता ने यानी किम के पिता ने एक छोटी सी टीम बनाई थी, सेंटा मारिया नाम की एक टीम बनाई थी, जो क्या काम करती है कि जो रोबोट को बनाने का काम करती है, और उन्होंने एक एंड्रॉइड रोबोट AG3 बनाया है जिसके मालिक जो है वो किम है। और इसकी खासियत ये होती है कि आप इसको बाहर से देखेंगे तो एकदम आपको लगेगा कोई इंसान ही है, लेकिन एक्चुअल में वो रोबोट होती है। और जब किम इससे मिलता है, इसको टच करता है, इससे बात करता है, तो इसको ऐसा लगता है इसको एक दोस्त मिल जाएगा इससे बात करने के लिए। और इसको पता होता है कि ये जो बीमारी है वो इंसानों के ऊपर वर्क करती है, ना कि मशीनों के ऊपर। जब इसको टच करता है तो उसको ऐसा कुछ फील नहीं होता, क्योंकि वो एक रोबोट होती है। तो वो इसको कहता है, डॉक्टर को कहता है, यानी साइंटिस्ट जो होंगे तो इसको कहता है कि भाई इसको मेरे घर पे भेजो ताकि मैं कुछ दिन इसके ऊपर टेस्ट कर सकूं, अपनी बातें कुछ इसको सिखा सकूं, ये कैसे वर्क करती है वो चीजें जान सकूं। और ट्विस्ट अब आता है, ये डिलीवर करने से पहले ये रोबोट जो है वो खराब हो जाता है। अब इसकी जगह पर यहां पर डॉक्टर होंग जो है अपनी एक्स को इसके घर पे भेज देते हैं। वो ऐसे क्योंकि भैया जो रोबोट है और जिसकी एक्स दोनों की शक्ल सेम है, दिल टूटा हुआ था बेचारे का, तो इसने सोचा रोबोट से ही काम चला लेते हैं। और जिया को किम के घर थोड़े ही दिन के लिए भेजा जाता है, जब तक कि वो रोबोट ठीक होकर इसकी जगह ना ले ले, तब तक भाई तुम्हें एक रोबोट की एक्टिंग करनी होगी। और जिया को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि किम को क्या बीमारी है। और यहां पर जब किम को यह पता है कि भैया ये सामने जो वो लड़की है मतलब रोबोट है, वो कोई इंसान नहीं है, और जब इसको छूता है तो इसको कुछ भी नहीं होता है, यानी वो एक्चुअल में तो इंसान को छू रहा है लेकिन उसे लग रहा है कि वो रोबोट को छू रहा है, तो इसे कुछ नहीं हो रहा है। और फिर धीरे धीरे स्टोरी आगे बढ़ती है, दोनों एक दूसरे करीब आते हैं, किम अपनी बातें जो है वो 15 साल से इतना अंदर से भर के बैठा था वो सारी की सारी इससे बताता है कि इसने क्या क्या चीजें सही है, कैसे कैसे अकेला रहा है, जिसके चलते भैया किम को इस रोबोट से प्यार हो जाता है। लेकिन इसको पता है कि यार ये रोबोट है, इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, एक्चुअल में तो वो इंसान होती है, लेकिन उसे लग रहा है कि ये रोबोट है, इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, तो इसको बताकर क्या फायदा हो रहा है यार, इसके सामने रोकर क्या फायदा हो रहा है। तो एक तरीके से एक इंसान इस कश्मकश में। फिर यहां पर जब जो जिया है वो तो एक्चुअल में तो इंसान है जो रोबोट की एक्टिंग कर रही है, किम को जानने के बाद जिया भी उसे पसंद करने लग जाती है, लेकिन वो किम को ये बता नहीं सकती, एक्चुअल में तब भी नहीं बता सकती जब इसकी जगह पर एक्चुअल का रोबोट आ जाता है और इसको वहां से हटा दिया जाता है, तब भी किम को नहीं बता सकती, क्योंकि अगर उसने इसको बताया तो इसको एक अटैक आ जाएगा जिससे इसकी जान चली जाएगी। अब देखा जाए तो दोनों के दोनों प्रॉब्लम में है, किम की नजरों में जो जिया है वो रोबोट है और जिया उसको एक्चुअल में सच्चाई बता नहीं सकती, अगर बताया तो वो मर जाएगा। अब ये सारी जो कश्मकश है वो सारी की सारी चीजें इस सीरीज के अंदर दिखाई गई। अब देखो यार इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही कर दिया है। और यहां पर इनके अलावा दो छोटी छोटी लव स्टोरी और दिखाई गई है, एक जो है वो डॉक्टर होंग और उनकी जो कलीग है पाई के बीच में जो रिलेशनशिप दिखाने की कोशिश की गई है, वैसे उसको ज्यादा टाइम नहीं दिया गया, हाँ थोड़ा बहुत इसके अंदर दिखाया गया, लेकिन ये जो पाई का करेक्टर थोड़ा बहुत हमें दिखाते हैं काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, जैसे जिस तरीके से इसका बिहेव है, जानते हुए कि डॉक्टर जो है वो अभी भी अपनी एक्स को पसंद करता है तब भी ये कोशिश करती है कि डॉक्टर वो जिया है वो एक हो जाए, इसके अंदर इतनी हिम्मत होती है कि अपने अंदर अपना दुख छुपा कर
अपनी स्माइल दिखाकर बिना कोई डिमांड के डॉक्टर के लिए काम करती जा रही है, तो ये काफी ज्यादा मुझे इंप्रेसिव कैरेक्टर लगा। तो इस सीरीज में किम और जिया के बीच के रिलेशनशिप को दिखाया गया है। अब ये ऐसा नहीं है कि इस पूरी सीरीज के अंदर 16 के 16 एपिसोड में वो बीमारी ही दिखाई गई है। देखो बीमारी तो कुछ टाइम बाद ठीक हो जाती है, अब ठीक होने के बाद यहां पर आपको ये लगता है कि यार बीमारी तो ठीक हो गई, अब नया क्या दिखाएंगे। ये वाली जो चीज है हमें इस पूरी सीरीज में हमें बांध कर रखती है, कुछ और नया एड ऑन करते रहते हैं जिससे हमारा इंटरेस्ट खोता नहीं और हम पूरी सीरीज तक मतलब इसको बहुत अच्छे से देखते रहते हैं बिना बोर हुए। इसके अलावा इस सीरीज में आप लोगों को स्टार्टिंग में कॉमेडी देखने की मिलेगी, लास्ट में भी है, बीच में भी है, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ ज्यादा ही है और उसके बाद ये सीरीज इमोशनल हो जाती है, आंखों में थोड़ी बहुत हमें पानी आ जाता है क्योंकि भैया ये जब किम अपनी बातें बताता है कि 15 साल से अकेला रह रहा है, जैसे जैसे इसने चीजें सही है। और इसके बाद आप लोगों को अप एंड डाउन भी इस सीरीज में देखने को मिलेंगे। बेसिकली अगर आप किम के बिहेवियर को देखें तो इसको पता चलता है कि यार इसको जो बीमारी है वो ये लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। अब ट्रस्ट क्यों नहीं कर सकता, जब इसके माता पिता की डेथ हुई थी तो यहां पर इसको लोग विश्वास तोड़ने के लिए तैयार बैठे थे, जैसे जैसे इसे साइन करवा रहे थे, इसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा रहे थे, तो यहां पर जब इसको लगा कि यार लोग मेरे माता पिता गए, जो दोस्त थे इन्होंने भी इसका विश्वास तोड़ा, जिसके चलते ये किसी पर यकीन नहीं कर पा रहा था अपने माता पिता के सदमे के कारण भी, तब ये लोगों से डरने लगा उनके ऊपर विश्वास करने से, तो यहां पर इसकी वो बीमारी निकल के आई। लेकिन जब जिया जो है वो रोबोट बन के जब इसके सामने आई तो एक तरीके से इसका विश्वास दिलाने में इसकी मदद हुई, इसको यकीन दिलाया कि ये इंसानों के ऊपर यकीन कर सकता है और इसकी बीमारी यहां पर ठीक होने लगती है। अब देखो यार मैंने बहुत सारी चीजें तो इस सीरीज के बारे में बता दी, अब कुछ कमियों के बारे में अगर बात करूं तो देखो कमी मुझे इसके अंदर ये लगी कि जब मैंने इस सीरीज को देखना शुरू किया तो इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि रिच मैन है यहां पर ये दिखाया गया, तो मेरे को एक सीरीज याद आ गई, कोरियन ही सीरीज है रिच मैन एंड पुअर वुमेन करके, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ सेम कॉन्सेप्ट वैसा था, जैसे ही देखा तो मुझे उसकी याद आ गई। इसके अलावा यहां पर बहुत ज्यादा फोकस जो है वो किम और जिया के ऊपर किया गया। हां मानता हूं कि मेन कैरेक्टर यही है इस सीरीज के, लेकिन थोड़ा बहुत अगर ध्यान जो है वो फोकस जो है थोड़ी बहुत और अलग कैरेक्टर के ऊपर दे देते तो काफी ज्यादा अच्छा होता। और इसके बाद सबसे बड़ी जो कमी मुझे ये लगी कि जब जिया जो है वो रोबोट बन के किम के घर पे जाती है और किम इसको टच भी करता है, गले भी लगाता है, भाई साहब गले लगाने के बाद भी इसको ये पता नहीं चल रहा कि वो एक लड़की, एक्चुअल में वो लड़की है। खैर ये वाली जो चीजें हैं वो थोड़ी बहुत हमें माननी पड़ती है कि हाँ ठीक है भैया इस इंसान को पता नहीं चल रहा, शायद इसने कुछ फूंक रखा होगा महंगे वाला। ओवरऑल अगर सीरीज की बात करूं तो एक अच्छी सीरीज है, डिसेंट है, कोई भी वल्गर सीन नहीं है। अब बात करें कि क्या ये हिंदी में देखने को मिलेगी, हाँ ये हिंदी डब में है, मिल जाएगी आप लोगों को, लेकिन इसके अंदर हिंदी डबिंग में भी एक छोटी मोटी प्रॉब्लम है, कुछ सेकंड की प्रॉब्लम है, कुछ एक आर्टिस्ट जो यानी जो कलाकार हैं इस सीरीज के अंदर उनकी वॉइस डबिंग नहीं की गई है, कुछ एक सेकंड की आप लोगों को ऐसी दिक्कत आ सकती है। और हिंदी डबिंग डिसेंट भी नहीं कहूंगा यार, थोड़ी बहुत ठीक लगी मुझे इसके अंदर, क्योंकि जैसे सब टाइटल आ रहे थे वैसा इसके अंदर नहीं बोला जा रहा था। और अब बात करें कि ये कहां देखने को मिलेगी, फ्री है या पेड है। देखो भाई साहब ये बिल्कुल फ्री है, आप इसको एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं, मतलब 16 घंटे आप वहां पर जाकर देख सकते हैं इसको। तो मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 7.5/10। सर अगर किसी ने ये सीरीज देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी, अगर नहीं देखी तो आप लोग जाकर इसको देख सकते हैं, हां अच्छी है, डिसेंट है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।